हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू एल के अकेडमी। आई होप एवरी वन ऑफ यू इज सेफ एंड डूइंग वेल एट योर होम। सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ आर करंट अफेयर्स लेक्चर्स विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड आई होप दैट यू हैव गॉन थ्रू ऑल दी प्रीवियस लेक्चर्स। सो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज़ रिलेटेड टू अवर हेल्थ सर्विसेज और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स। आप उस अम्ब्रेला में इस टॉपिक को डाल सकते हो, एंड दैट इज़ द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। सो वी ऑलरेडी नो कि इंडिया में बहुत एम्बिशियस तरीके से 2014 के बाद आयुष्मान भारत स्कीम को लॉन्च किया गया था, जहाँ पे जो बीपीएल फैमिली के जो लोग हैं उनके लिए फिनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा था। अब उसको डिजिटल कर दिया गया है। व्हाट डज इट मीन? सो दिस इज़ नॉट अ कंपल्सरी स्कीम, पहले तो ये समझ लीजिए। आधार कार्ड की तरह हेल्थ कार्ड या हेल्थ नंबर आपको इशू किया जाएगा इफ़ यू वॉन्ट। वहाँ पर जाकर आप सारी अपनी जो मेडिकल हिस्ट्री है, कोई अगर आप स्पेसिफिक दवाई ले रहे हो, कोई स्पेसिफिक एलर्जीज है आपको, वो सारी डिटेल एक सेंट्रल डेटाबेस में मेंटेन की जाएगी, और ये डेटाबेस सारे हॉस्पिटल्स को और सारे डॉक्टर्स को एक्सेसिबल होगा, ताकि इन केस ऑफ क्रिटिकल सिचुएशन इसको एक्सेस किया जा सके और आपकी सही ट्रीटमेंट की जा सके। ओके, सो रिसेंटली द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। अ नेशन वाइड रोल आउट ऑफ द प्रोजेक्ट कोइंसाइड्स विद द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी सेलिब्रेटिंग द थर्ड एनिवर्सरी ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ओके, सो बेसिकली जन आरोग्य योजना जो आयुष्मान भारत स्कीम थी, जो ऑलमोस्ट विच इज़ अ वेरी एम्बिशियस स्कीम, और उसको इंटरनेशनल लेवल पे जिसको प्रेज मिला है, ऐसी स्कीम को अब डिजिटल बना दिया गया है, थोड़ा और बेहतर बना दिया गया है। आयुष्मान भारत इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ इंडिया विच वॉज लॉन्च्ड एज अ रिकमेंडेड बाई द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 टू अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो हमारा जो ओवरऑल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाने के लिए, और जो कॉमन मैन है, जो पुअर कॉमन मैन है, उस तक सारी हेल्थ सुविधाएं पहुंचाने के लिए आयुष्मान भारत स्कीम को लॉन्च किया गया था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है? सो इट एम्स टू प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ आईडीज फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स टू हेल्प हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस फर्म्स एंड सिटीजन्स एक्सेस हेल्थ रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली व्हेन रिक्वायर्ड। द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ द मिशन हैड बीन अनाउंस्ड बाई द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द रैम्पार्ट ऑफ द रेड फोर्ट ऑफ 15th August 2020। द प्रोजेक्ट इज बींग इम्प्लीमेंटेड इन द पायलट फेज इन 6 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज। फीचर्स ऑफ द मिशन क्या है? हेल्थ आई डी, इट विल बी इश्यूड फॉर एवरी सिटीजन दैट विल ऑल्सो वर्क एज देयर हेल्थ अकाउंट। द हेल्थ अकाउंट विल कंटेन डिटेल्स ऑफ एवरी टेस्ट, एवरी डिजीज, the doctors visited, the medicines taken and the diagnosis. Health ID is free of cost and voluntary. So this can be asked in your examination that health card is voluntary or mandatory. So health ID is free of cost, voluntary. आप portal पे जाइए, you will be get a free unique ID जहाँ पे आप अपनी सारी detail maintain कर सकते हो। It will help in doing analysis of the health data and lead to a better planning, budgeting and implementation of health programs. Healthcare facilities and professionals registry. So the other major component of the program is creating a healthcare professionals registry and healthcare facilities registry, allowing easy electronic access to medical professionals and health infrastructure. The HPR will be a comprehensive repository of all healthcare professionals involved in delivering healthcare services across both modern and traditional system of all the country's health facilities. Ayushman Bharat Digital Mission Sandbox. So the sandbox, sandbox is usually a testing system. So the sandbox created as a part of the mission will act as a frame provider or health information user, or efficiently link with building blocks of Ayushman Bharat Digital Mission. Implementing agencies की कौन सी होगी? So National Health Authority, that is NHA under the Ministry of Health and Family Welfare will be the implementing agency. Expected benefits क्या होंगे इसके?
सो एन्श्योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर का सिचुएशन है, जो नॉलेज होना चाहिए लोगों को, दैट इज़ वेरी पुअर. तो ऐसा कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं है टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में भी. सो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्टिव यूज़ करके यहाँ पे फ़ायदा उठाया जा सकता है इन द सेक्टर ऑफ हेल्थ केयर. अनेबल एक्सेस एंड एक्सचेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ सिटीजन्स विथ देयर कंसेंट. क्रिएट इंटीग्रेशन विद इन द डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम सिमिलर टू द रोल प्लेड बाई द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इन रिवोल्यूशनलाइजिंग द पेमेंट्स. ओके, सो पूरी जो इकोसिस्टम है हेल्थ केयर की, उसको यहाँ पे रिवोल्यूशनलाइज किया जा सकता है बाय द डिजिटल हेल्थ मिशन. पूरा इकोसिस्टम कैसे काम करेगा, तो देखिए पॉलिसी मेकर्स कौन होंगे, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स विल बी द की पॉलिसी मेकर्स. प्रोवाइडर्स कौन होंगे जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हॉस्पिटल क्लिनिक्स, लैब्स, फार्मेसीज, वेलनेस सेंटर्स, अलाइड प्राइवेट एंटिटीज़. मतलब क्या हो गया कि जो ईजी एक्सेस आपको करवा सकते हैं, सो इंश्योरेंस कंपनी हो गई, TPAs, इंश्योरेंस कंपनीज, हेल्थ टेक कंपनीज, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑनलाइन अपनी सर्विस दे पाएंगे, अदर प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर, आयुष प्रैक्टिशनर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ जुड़ सकती है, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, वो इसके साथ जुड़ सकते हैं. अल्टीमेटली फ़ायदा किसका होगा, सिटीजन्स एंड पेशेंट का. तो एक पूरी की पूरी बड़ी सी रिवॉल्यूशनरी सिस्टम लाने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, जिसमें टेक्नोलॉजी का अल्टीमेटली हूबहू इस्तेमाल किया जाएगा. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज रिलेटेड टू अ जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग. नाउ व्हाट इज़ जीआई टैग? वी ऑलरेडी नो एज अ जीपीएससी यूपीएससी एस्पिरेंट दैट जीआई टैग के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे. एक या दो सवाल जीआई टैग से रिलेटेड होंगे ही होंगे. तो बेसिकली अगर मुझे लेमन टर्म्स में अगर जीआई टैग की डेफिनेशन देनी है, सो व्हाट द डेफिनेशन विल बी, तो उसका डेफिनेशन या उसका अंडरस्टैंडिंग हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर किसी कोई पर्टिकुलर रीजन की, कोई किसी पर्टिकुलर एरिया की, कोई विलेज हो गया, कोई सिटी हो गया, कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया, कोई तालुका हो गया, तो उसकी अगर कोई पर्टिकुलर चीज़, गुड्स जिसे हम बेसिकली कहेंगे, चीज़ में एवरीथिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी आ गया, फूड प्रोडक्ट भी आ गया, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, अगर ऐसी कोई चीज़ बड़ी यूनिक है फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन, तो उसे जीआई टैग दिया जाएगा. क्यों? ताकि उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ सके, और उसको जो लोकल आर्टिसंस है, जो लोकल कारीगर है उसके, उन लोगों को फ़ायदा मिले. एक बार अगर किसी चीज़ को जीआई टैग मिलता है, सो द रजिस्ट्रेशन विल बी वैलिड फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स. 10 ईयर्स के बाद आपको उसके लिए रीअप्लाई करना पड़ेगा. इंडिया में चेन्नई में जीआई टैग की रजिस्ट्री ऑफिस है, वहाँ पे आपको आपका आवेदन या आपका जो एप्लीकेशन है फॉर द जीआई टैग वो भेजना पड़ेगा. सो जुडीमा, अ होममेड राइस वाइन ऑफ असम्स दिमासा ट्राइब, हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्रेडिशनल ब्रू इन ऑल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट टू बैग अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग. आसाम के जुडीमा वाइन राइस को, राइस वाइन को ये जीआई टैग मिला है. दिस इज़ द सेकेंड प्रोडक्ट फ्रॉम द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्बी एंगलोंग एंड दिमा हासो टू गेट द जीआई टैग. अर्लियर मणिपुर्स मोस्ट फेमस हाथेई चिली एंड तामेंगलोंग ऑरेंज वर अवॉर्डेड द जीआई टैग. तो इससे पहले, कुछ ही दिनों पहले, मणिपुर से हाथेई चिली और तामेंगलोंग ऑरेंज को जीआई टैग मिला हुआ. क्या है जियोग्राफिकल इंडिकेशन? सो जीआई इज़ एन इंडिकेशन यूज्ड टू आइडेंटिफाई गुड्स हैविंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डिफाइनाइट जियोग्राफिकल टेरिटरी. ओके, जियोग्राफिकल इंडिकेशन किसी चीज़ को मिलने के लिए ये
चीज़ बहुत ज़रूरी है, इट शुड बी अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी यूनिकनेस. इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दैट इज पॉपुलरली नोन एज ट्रिप्स. GI टैग इन इंडिया इज गवर्न्ड बाई जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999. इट इज इश्यूड बाई द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री चेन्नई. The registration of a geographical indication is valid for a period of 10 years. The GI protection in India leads to recognition of the product in other countries, thus boosting exports. So the GI protection in India leads to recognition of the production in other countries as well, thus boosting exports. तो जो हमारे local artisans होंगे उनको जब GI tag दिया जाएगा उनकी किसी product को तो वो international recognition मिलेगा. Even country में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होगी जो हम दूसरे states के बारे में दूसरे district के goods के बारे में हम नहीं जानते होंगे तो उनके लिए भी यहाँ पे फ़ायदा हमें मिल सकता है. जुडीमा राइस वाइन क्या है? सो जुडीमा इज अ राइस वाइन मेड फ्रॉम द स्टिकी राइस दैट इज ग्लूटेनियस राइस कॉल्ड बोरा विच इज स्टीम्ड एंड मिक्स्ड विथ ट्रेडिशनल हर्ब्स कॉल्ड थेम्ब्रा. द वाइन इज अ स्पेशलिटी ऑफ द दिमासा ट्राइब ऑफ द स्टेट विच इज मोस्टली लिविंग इन द many districts of Assam and has a distinct sweet taste and it takes around 1 week to prepare and it can be stored for years. There are around 14 recognized plain tribe communities, 15 hill tribe communities and 16 recognized scheduled caste communities in the state. The Bodos are the largest group comprising almost half of the state's tribal population. Other major ST groups include Mising, Karbi, Rabha, Kachri, Lalunga and Dimasa. So these are multiple tribes. आपने आर्ट एंड कल्चर में या पिछले लेक्चर्स में हमने करंट अफेयर्स में भी इसके बारे में बात की है. ओके, वी हैव रिसेंटली शोन द रिसेंटली सीन द मल्टीपल अग्रीमेंट्स दैट हैज बीन साइंड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट एंड मिजोरम गवर्नमेंट्स. ओके, अदर रिसेंट GI टैग्स प्रोडक्ट फ्रॉम आसाम कौन से हैं? सो वो है काजी नेमू एंड चोकुआ राइस ऑफ आसाम, जिसको रिसेंटली 2019 और 2020 में इन दोनों चीज़ों को GI टैग मिला हुआ था. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंडिया US बायलेटरल मीट. आपको पता होगा कि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एट द एंड वीक ऑफ सेप्टेम्बर USA का विजिट किया था एंड इट इज़ द फर्स्ट फिजिकल विजिट बिटवीन प्रेसिडेंट ऑफ USA एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ओके, जब से USA में नई गवर्नमेंट आई है इन नवंबर 2020. सो रिसेंटली द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मेट द न्यूली इलेक्टेड US प्रेसिडेंट फॉर देयर फर्स्ट बायलेटरल मीटिंग इन द USA. तो काफ़ी सारे और भी गोल्स थे हमारे US विजिट के. फर्स्ट इज क्वाड मीटिंग थी और हमें UNGA के सेशन में भी इन्वाइट किया गया था. सो देर आर मल्टीपल मीटिंग्स दैट आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ अटेंडेड. सो रिसेंटली द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मेट द न्यूली इलेक्टेड US प्रेसिडेंट फॉर देयर फर्स्ट बायलेटरल मीटिंग इन द USA. बोथ लीडर्स डिस्कस्ड अ वाइड रेंज ऑफ प्रायोरिटी इश्यूज इंक्लूडिंग कॉम्बेटिंग COVID-19, क्लाइमेट चेंज एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. Earlier, the U.S. Secretary of State in his visit to India mentioned that actions by India and the U.S. will shape the 21st century. तो अगर कोई U.S. Secretary of the State ये कहता है, so it is a great thing for the relationship aspect between India and USA. देर आर मल्टीपल स्पेकुलेशंस के जब से नई गवर्नमेंट आई है, जो बाइडेन जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से हमारे इंडिया और USA के बीच जो बायलेटरल रिलेशन है उनमें एक सेटबैक आ गया है. ओके, बट अवर प्राइम मिनिस्टर्स रिसेंट विजिट हैज़ प्रूव्ड दैट इंडिया और USA के जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं. चाहे USA में एडमिनिस्ट्रेशन बदला है, दैट हैज़ इम्पेक्टेड अवर रिलेशन, बट दैट हैज़ इम्पेक्टेड अवर रिलेशन पॉजिटिवली. ओके, सो मीट की हाइलाइट्स क्या है? सो डिस्कशंस टू फर्दर सीमेंट द इंडो US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड डिस्कस्ड ग्लोबल इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इंक्लूडिंग थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी अफगानिस्तान एंड द इंडो पैसिफिक. तो अफगानिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, टेररिज्म के बारे में, चाइना के बढ़ते अग्रेशन के बारे में, ऐसे हर टॉपिक के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, हाई लेवल डिस्कशन. एंड सम ऑफ द इंफॉर्मेशन आर केप्ट सीक्रेट. ओके, डिस्कस्ड पाकिस्तान रोल
role in Afghanistan as one of the key challenges and there was a sense that it needs more careful monitoring. तो इंडिया UNGA के स्टेज पे ये बोल चुका है कि अफगानिस्तान में जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं, तालिबान ने जो टेक ओवर किया है, उसका फ़ायदा उठाकर इंडिया के सामने पाकिस्तान अफगानिस्तान की लैंड का इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए ना करे. इंडिया हैज़ गिवन दिस काइंड ऑफ क्लियर वार्निंग टू पाकिस्तान फ्रॉम द UNGA प्लेटफॉर्म. सो बोथ साइड्स denounced any use of terrorist proxies and emphasized the importance of denying the logistical, financial or military support to terrorist group which could be used to plan or launch terror attacks. तो ये लोग एक joint monitoring भी setup करेंगे अफगानिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर watch रखने के लिए. They called on the Taliban to adhere to these and all of its commitments under resolution 2593. तो ये UN का रेजोल्यूशन है जिसमें ह्यूमन राइट्स, फीमेल राइट्स, चाइल्ड राइट्स, ये सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है. तो तालिबान को एक तरीके से ये चेतावनी दी गई है कि अगर तालिबान इनको फॉलो नहीं करता है देन दैट कैन बी डेंजरस. द US गवर्नमेंट कंपनीज बेस्ड इन द US एंड द इंडियन डायस्पोरा वर वेरी हेल्पफुल when the India was fighting a tough wave of COVID-19 infections. India will resume export of surplus COVID-19 vaccines in the fourth quarter of 2021 under the Vaccine Maitri program and to meet its commitment to the COVAX global pool. So India already vaccine ke mamle mein kafi aage nikal chuka hai. On the domestic front also India is doing good कि हमने 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन के डोजेस को अचीव कर लिया है और इंडिया जो अपनी सरप्लस वैक्सीन है वो अंडर द वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को, अपने स्ट्रॉन्ग फ्रेंडली अलाइज को ये वैक्सीन सप्लाई करेगा. इंडिया रेज्ड सेवरल इश्यूज़ इन्वॉल्विंग द इंडियन कम्युनिटी इन द US इंक्लूडिंग एक्सेस फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स देयर एंड H1B वीज़ास. तो ये काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुई जिनके ऊपर कुछ ही समय में, आने वाले कुछ ही टाइम में प्रॉपर डिसीजन लिया जाएगा. इंडिया और USA के रिलेशन कैसे है? सो इंडिया US बायलेटरल रिलेशन हैव डेवलप्ड इनटू अ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बेस्ड ऑन शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड इंक्रीज कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज़. तो पिछले काफ़ी सालों से, मतलब 2008-09 से इंडिया और USA के बीच के जो रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग होते जा रहे हैं. आफ्टर द न्यू प्राइम मिनिस्टर केम और न्यू गवर्नमेंट केम आफ्टर 2014, इंडिया हैज़ स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड द बायलेटरल रिलेशंस विद USA एंड साइमल्टेनियसली वी हैव स्ट्रेंथन अवर रिलेशंस विथ रशिया एज वेल. जनरली क्या होता था, हमारे रशिया के साथ रिलेशन अच्छे होने की वजह से USA के साथ जो रिलेशन थे वो काफ़ी स्टेडी नहीं रह पाते थे. बट दिस गवर्नमेंट हैज़ शेप्ड अ फॉरेन पॉलिसी इन सच अ वे दैट बोथ द कंट्रीज आर नाउ स्ट्रॉन्ग अलाइज फॉर इंडिया. सो इंडिया US बायलेटरल रिलेशन है वो डेवलप्ड इंटू अ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. जैसे कि US सेक्रेटरी ने कहा कि 21st सेंचुरी में आने वाले साल कि मैं ग्लोबल सिनेरियो क्या रहेगा, इन ईच एंड एवरी पॉसिबल फील्ड वो कौन डिसाइड करेगा, इंडो US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैन डिसाइड दैट. इन 2015 बोथ द कंट्रीज इश्यूड अ दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंडशिप एंड अडॉप्टेड अ जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन फॉर एशिया पैसिफिक एंड द इंडियन ओशन रीजियन. सिविल न्यूक्लियर डील क्या है? सो द बायलेटरल सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट वॉज साइंड इन अक्टूबर 2008. एनर्जी और क्लाइमेट चेंज पे भी हम साथ काम कर रहे हैं एज अ प्रायोरिटी इनिशिएटिव अंडर द पेस पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी. द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव एस्टैब्लिश्ड द जॉइंट क्लीन एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर डिजाइंड टू प्रमोट क्लीन एनर्जी इनोवेशंस बाय टीम्स ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. इंडिया US क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप वॉज लॉन्च्ड एट द लीडर्स क्लाइमेट समिट 2021. ओके, सो क्लीन एनर्जी के लिए भी, जो कि US जहाँ पे बैकफुट पे था ट्रंप के टाइम में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, वहाँ पे भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है. वाई? बिकॉज इंडिया एंड US बोथ आर द की पार्टनर्स इन द फील्ड ऑफ क्लीन एनर्जी.
डिफेंस कोऑपरेशन हमारा बढ़ता जा रहा है. सो डिफेंस रिलेशनशिप हैज़ इमर्ज्ड एज अ मेजर पिलर ऑफ इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द साइनिंग ऑफ न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशंस इन 2005 विच वॉज फर्दर अपडेटेड फॉर 10 ईयर्स इन 2015. सो 2025 तक हमने हमारे जो डिफेंस पार्टनरशिप के जो फ्रेमवर्क थे उसको हमने अपडेट कर दिया है. आने वाले 10 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है. इंडिया एंड यूएस इंक्ड इम्पॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट्स इन लास्ट फ्यू ईयर्स एंड ऑल्सो फॉर्मलाइज्ड द फोर नेशन अलायंस ऑफ क्वाड विच इंक्लूड्स इंडिया यूएस जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. इट्स क्वाइट अ मिनी नाटो फॉर अस. द अलायंस इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट काउंटर टू चाइना इन द इंडो पैसिफिक. तो चाइना जो अपना अग्रेशन बढ़ा रहा है उससे ऑस्ट्रेलिया भी परेशान है, जापान भी परेशान है, इंडिया भी परेशान है. और अल्टीमेटली इन लॉन्ग टर्म यूएस हैज़ टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज इफ चाइना गेन्स द पावर, चाइना गेन्स द कंट्रोल. एंड दैट्स वाई टू काउंटर दैट इंडिया यूएस जापान एंड ऑस्ट्रेलिया केम इन द क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क. तो देखिए, पहले क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नाम था इस ऑर्गेनाइजेशन का. उसके टाइज को डीपन करने के लिए, उसकी बाउंड्रीज को वाइडन करने के लिए उसका नाम क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क कर दिया गया है टू गिव द क्लियर मैसेज कि यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी और डिफेंस के बारे में बात नहीं होगी. उससे बढ़कर जो भी इश्यूज ये चार कंट्रीज सॉल्व कर सकते हैं उसके ऊपर यहाँ पर ग्लोबल इश्यूज पे बात की जाएगी. द अलायंस इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट काउंटर टू चाइना इन द इंडो पैसिफिक. The Malabar exercise in November 2020 portrayed a high point in Indo-US strategic ties. It was the first time in 13 years that all four countries of Quad came together sending a strong message to China. India now has access to American bases from Djibouti in Africa to Guam in the Pacific. It can also access advanced communication technology used in US डिफेंस. तो हमारी जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. इंडिया एंड यूएस हैव फोर फाउंडेशनल डिफेंस अग्रीमेंट्स एंड दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स. तो पहला है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल इंटेलिजेंस, दैट इज बेका. उसके बाद है जियोस मिया, दैट इज जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट. मिलिट्री इंफॉर्मेशन को टू एंड फ्रो किया जाएगा. लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट लेमोवा, दिस वॉज साइंड इन 2019. एंड कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट कॉमकासा. सो इंडिया यूएस काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन इनिशिएटिव वॉज साइंड इन 2010 टू एक्सपांड कोलोबरेशन ऑन काउंटर टेररिज्म, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. तो हम मल्टीपल फ्रंट्स पे वी आर डीलिंग विथ यूएसए और हमारी जो डिफेंस टाइज है उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. अ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ वॉज कंडक्टेड इन November 2019. देर आर मल्टीपल अदर जॉइंट एक्सरसाइजेज बिटवीन नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी जो कि हम करते हैं, जिसमें यूएसए एंड इंडिया इधर इट दोज आर बायलेटरल और मल्टीलेटरल मिलिट्री और ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस. सो बायलेटरल एंड रीजनल एक्सरसाइजेस कौन सी है? युद्धाभ्यास जो अभी रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में हुई है, वज्रप्रहार स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है, रिमपैक, रेड फ्लैग. सो ये सारी एक्सरसाइज है जो बायलेटरल एक्सरसाइज हम यूएसए के साथ करते हैं. देर आर अदर मल्टी लेटरल एक्सरसाइज ऑल्सो, जैसे कि मालाबार एक्सरसाइज हो गया विच इज़ परफॉर्म्ड बाई द क्वाड कंट्रीज. तो क्वाड के जो चार कंट्रीज है वहाँ पे भी हम यूएसए के साथ ट्रेनिंग और रेस्क्यू एक्सरसाइज में वी आर पार्टिसिपेटिंग विच इज़ हेल्पिंग अस टू गेट क्लोजर टू दी यूएसए. और आने वाले फ्यूचर में ये हमें काफ़ी हेल्प करेगा. ट्रेड की अगर बात करें तो ट्रेड की जो पोजीशन है वो क्या है? सो द यूएस इन इंडियाज द यूएसए इज़ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड अ मेजर डेस्टिनेशन फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो देखिए, गुड्स तो है ही, बट हम हमारे डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, ग्रेजुएट्स को, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को भी हम यूएसए भेजते हैं. तो यूएसए के लिए ये भी एक हमारी तरफ से एक बड़ी सर्विस है. द यूएस रिप्लेस्ड मॉरिशियस एज द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन टू इंडिया ड्यूरिंग 2021.
द प्रीवियस यूएस गवर्नमेंट एंडेड इंडियाज स्पेशल ट्रेड स्टेटस जीएसपी एंड ऑल्सो इम्पोज्ड सेवरल बैंस. इंडिया ऑल्सो रिटेलिएटेड विथ बैंस ऑन 28 यूएस प्रोडक्ट्स. ओके, वन ऑफ सच पॉपुलर प्रोडक्ट्स इज हार्ली डेविडसन बाइक. तो जब हमको यूएस गवर्नमेंट ने अपने स्पेशल लिस्ट से निकाल दिया, स्पेशल ट्रेड स्टेटस का मतलब क्या है कि हमारी जो कुछ चीज़ें हैं उनके ऊपर कम टैक्स लिया जाएगा या बिल्कुल भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, कंसेशन दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा. ट्रंप गवर्नमेंट ने, क्योंकि इंडिया अब डेवलप्ड नेशन है ये बोलकर इंडिया को ये फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, ये सोचकर इंडिया को जीएसपी से विड्रॉ कर लिया. इंडिया ने बड़ा अच्छे तरीके से रिटेलिएट किया और इंडिया ने भी यूएसए से आने वाली बहुत सारी जो चीज़ें थी उनके ऊपर क्या लगा दिया, बैन लगा दिया. ओके, सो करंट यूएस गवर्नमेंट हैज़ अलाउड ऑल द बैन्स बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट टू एक्सपायर. तो बाइडेन गवर्नमेंट ने क्या किया है, पुराने जितने भी बैन्स लगाए गए थे इंडिया के ऊपर उसको क्या कर दिया है, ट्रेड बैन्स की हम बात कर रहे हैं, उसको डिमोलिश कर दिया है, अबॉलिश कर दिया है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे तो इसरो एंड नासा आर वर्किंग टुगेदर टू रियलाइज अ जॉइंट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन नेम्ड नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार विच विल बी नोन एज निसार. तो स्पेस के लेवल में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेवल में भी हम साथ में काम कर रहे हैं. इंडियन डायस्पोरा काफ़ी बड़ा है यूएसए में, सो देर इज़ अ ग्रोइंग प्रेजेंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन ऑल स्फीयर्स इन द यूएस. फॉर एग्जांपल, द करंट वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ऑफ द यूएस इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडियन कनेक्शन दैट वी ऑलरेडी नो. और पूरी एक बड़ी सी इंडियन कम्युनिटी, इंडियन स्टूडेंट्स की, इंडियन वर्कर्स की हमें यूएसए में देखने को मिलती है, विच कनेक्ट्स इंडिया एंड यूएसए ऑन अ कल्चरल प्लेटफॉर्म एज वेल. सो दीज आर दी ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप्स. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस, और इसमें हम डीपली बात करेंगे क्वाड के बारे में. अब देखिए, पहले तो क्वाड बनाया क्यों गया और कब बनाया गया, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड टू एस्टैब्लिश सच अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हो जहाँ पे अभी मेरा हाइलाइटर घूम रहा है, सो दिस इज द साउथ चाइना सी, राइट. अब साउथ चाइना सी में क्या हो रहा था, ये पूरा जो अंदर वाला एरिया है, ठीक है, और जापान के आसपास वाला एरिया. सो साउथ चाइना सी में चाइना, छोटे छोटे कंट्रीज है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, ये सारे कंट्रीज को चाइना डरा धमका कर जो इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज है उसको वायोलेट करके चाइना अपना अग्रेशन बढ़ा रहा था, चाइना अपना प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा था. नाउ व्हाई चाइना इज़ ट्राइंग टू डू दिस, बिकॉज देर आर मल्टी इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है इस पर्टिकुलर एरिया में जो चाइना की एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म कर सकते हैं. सो चाइना इज़ ट्राइंग टू गेट देयर हैंड ऑन दिस काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स. अगर चाइना अपना कंट्रोल यहाँ पे बढ़ाता है तो चाइना का जो डिप्लोमेटिक पावर है, जो डिप्लोमेटिक पोस्ट है उसकी, वो क्या होगा, बढ़ेगा, जिसको कौन अफोर्ड नहीं कर सकता, यूएस अफोर्ड नहीं कर सकता. जापान इज़ ट्राइंग टू फाइट चाइना, ओके, बट जापान अलोन चाइना के साथ फाइट नहीं कर सकता. तो जापान को ऐसे देशों की ज़रूरत है जो कि उसकी पॉलिसीज़ के साथ अग्री करे और चाइना को काउंटर करने में जापान की मदद करे. सो इन 2007 जापान के प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव से क्वाड को बनाया गया. बट उस टाइम पे हाई हेलो क्वाड का एस्टैब्लिश ऑन पेपर एस्टैब्लिश कर दिया गया. उसके बाद 10 सालों तक टिल 2017 देर वॉज नो मीटिंग, देर वॉज नो डिस्कशन, क्या गोल होगा, कैसे चाइना को काउंटर किया जाएगा, नथिंग. 2017 में अगेन चाइना के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे, उनके इनिशिएटिव से इसको रिवाइव किया गया और इन चार कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया कि एटलीस्ट ऑफिसर लेवल की मीटिंग हर साल होनी चाहिए और चार लीडर्स को मिलकर एक गोल सेट करना चाहिए दैट हाउ वी आर गोइंग टू काउंटर चाइना इन फ्यूचर ईयर्स, आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में, हाउ वी आर गोइंग टू काउंटर चाइना. तो 2017 से ये जो कनेक्शन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्ट्रांग होता गया. एंड अगेन, जैसे कि मैंने आके बताया कि इट इज़ नाउ नोन एज मिनी नाटो.
तो अब उसको नाटो के जितना पावर है इन द एशिया पैसिफिक रीजन ऐसा माना जाता है, राइट? तो दिस इज स्ट्रांग डिफेंस अलायंस, एंड अब उसको सिर्फ और सिर्फ डिफेंस अलायंस ना मानकर उसको क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क का नाम दे दिया गया है, विच इज़ व्हाट, कि सिर्फ डिफेंस के बारे में बातचीत नहीं होगी, डिफेंस से बढ़कर भी अगर कोई इंपॉर्टेंट ग्लोबल इश्यू होगा तो उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, एड्रेस किया जाएगा। तो पहली बार फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग हुई क्वाड कंट्रीज की, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Recently, the first in-person meeting of Quad leaders was hosted by the USA. Issues like climate change, COVID-19 pandemic and challenges in the Indo-Pacific amidst China's growing military presence in the strategic region were discussed in the meeting. Background kya hai? So, in November 2017, India, Japan, US and Australia gave shape to the long-pending proposal of setting up the Quad to develop a new strategy to keep the critical sea routes in the Indo-Pacific free of any influence. तो चाइना का जो राइजिंग इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए ये डिसाइड हुआ कि वी विल शेप सम काइंड ऑफ पॉलिसीज। चाइना क्लेम्स नियरली ऑल ऑफ द डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी, दो ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया एंड वियतनाम ऑल क्लेम पार्ट्स ऑफ इट, बट ये सारे कंट्रीज आप समझ सकते हो कि ये चाइना के सामने नहीं लड़ सकते। द साउथ चाइना सी इज एन आर्म ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। इन 2020 द ट्राइलेटरल इंडिया यूएस जापान मलाबार नेवल एक्सरसाइज एक्सपांडेड टू इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया, मार्किंग इट द फर्स्ट ऑफिशियल ग्रुपिंग ऑफ द क्वाड सिंस इट्स रिसर्जेंस इन 2017। देखिए रिसर्जेंस लिखा गया है, मतलब उसका एस्टेब्लिश 2007 में हुआ था, उसको रिवाइव, उसको पुनर्जीवित कब किया गया, 2017 में। फर्दर इट इज़ द फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अमोंग द फोर कंट्रीज इन ओवर अ डेकेड। तो 2020 की जो मालाबार एक्सरसाइज हुई उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया और अब से हर साल ऑस्ट्रेलिया उसमें पार्टिसिपेट करेगा। इन मार्च 2021 द क्वाड लीडर्स मेट वर्चुअली एंड लेटर रिलीज द जॉइंट स्टेटमेंट टाइटल्ड द स्पिरिट ऑफ द क्वाड विच आउटलाइंड द ग्रुप्स अप्रोच एंड ऑब्जेक्टिव्स। चाइना शुरू से क्वाड का अपोज करता आया है। फर्दर जस्ट बिफोर दिस मीटिंग द यूएस हैज अनाउंस्ड अ न्यू ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फॉर द इंडो पैसिफिक बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड द यूके एंड द यूएसए। तो ऑकस इज द ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग अलायंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, जो क्यों बनाया गया है, यूएसए अपनी जो सबमरीन है, न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया को हैंड ओवर करेगा, उसके लिए ऑकस को बनाया गया है, जिसका अपोज कौन कर रहा है, फ्रांस उसका अपोज कर रहा है। मेजर हाइलाइट्स ऑफ द क्वाड समिट क्या है, सो डिस्कस्ड अफगानिस्तान एंड अग्रीड टू डीपन देयर कोऑपरेशन इन साउथ एशिया, क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव, अंडर दिस द क्वाड कंट्रीज हैव प्लेज्ड टू डोनेट मोर देन 1.2 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन डोजेस ग्लोबली इन एडिशन टू द डोजेस फिनांस्ड थ्रू कोवैक्स। तो कोवैक्स की हमने आगे ही बात की कि कोवैक्स इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसके एडिशन में 1.2 बिलियन कोविड-19 के वैक्सीन डोजेस ग्लोबली बांटे जाएंगे थ्रू क्वाड। बिल्डिंग बैक बेटर वर्ल्ड, ओके, सो B3W करके एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, सपोर्टेड द कॉल फॉर अ ग्लोबल पेंडेमिक रडार टू इम्प्रूव वायरल जेनोमिक सर्वेलेंस एंड एक्सपांड द WHO ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्वेलेंस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम GISRS, क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप, द G7 ग्रुपिंग हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव। ओके, और बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड क्या है, तो जो नीडी कंट्रीज है, जो ज़रूरत में आकर, मजबूरी में आकर चाइना से लोन ले लेते हैं, वो चाइना से लोन ना ले और उनको चाइना के ऑप्शन में अगर G7 से अगर लोन मिल रहा है विच इज़ मोर ट्रांसपेरेंट, तो उसी के लिए B3W बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड को एस्टेब्लिश किया गया है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, सो वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट अगेन। उसके लिए 2035 तक आने वाले लगभग 15 सालों के लिए $40 trillion का जो फंड है वो साइड में रखा जाएगा।
बेस्ड ऑन सिमिलर लाइन्स द क्वाड विल एस्टैब्लिश हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विल शेयर एक्सपर्टीज कैपेसिटी एंड इन्फ्लुएंस इन द रीजन एंड आइडेंटिफाई न्यू अपॉर्चुनिटीज टू मीट द नीड्स देयर. ओके, सो ये बात हो गई क्वाड के बारे में. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस और वो है चाइनाज न्यू सी रोड रेल लिंक टू इंडियन ओशन. अब देखिए चाइना किस तरह से जो अपना पूरा जो सपना है वन बेल्ट वन रोड का या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जहाँ पे हाईवेज बनाए जाएंगे, रेलवेज बनाए जाएंगे, मैरीटाइम रूट्स बनाए जाएंगे, उसको कैसे चाइना फुलफिल कर रहा है. रिसेंटली अ न्यू सी रोड रेल लिंक प्रोवाइडिंग चेंगडू चाइना विद एक्सेस टू द इंडियन ओशन वाया रंगून म्यांमार वॉज ओपन. तो देखिए दिस इज़ द चाइनीज रीजन, यहाँ से लेकर ये पूरा सी रोड एंड रेल लिंक बनाया गया है. नाउ यू कैन इमेजिन कि चाइना जो अपनी पहुँच है OBOR को कंप्लीट करने के लिए वो कैसे बढ़ा रहा है, और जो इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे अब चाइना अपना इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ा रहा है. अ ट्रेड कॉरिडोर इज चाइनाज फर्स्ट टू लिंक वेस्टर्न चाइना विथ द इंडियन ओशन. क्या है ये न्यू ट्रेड कॉरिडोर? सो द न्यू ट्रेड कॉरिडोर पैसेज कनेक्ट्स द लॉजिस्टिक लाइंस ऑफ सिंगापुर म्यांमार एंड चाइना एंड करंटली द मोस्ट कन्वीनियंट लैंड एंड सी चैनल लिंकिंग द इंडियन ओशन विथ साउथ वेस्ट चाइना. चाइना ऑल्सो हैज़ प्लान्स टू डेवलप अनदर पोर्ट इन क्यूपाकू इन द रखेन स्टेट. देखिए रखेन स्टेट का नाम पढ़ने से आपको ये याद आना चाहिए कि रखेन स्टेट का नाम हमने आगे कब पढ़ा था, रोहिंग्या मुसलमान वाला जो मुद्दा है, एट दैट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट द रखेन स्टेट ऑफ म्यांमार इंक्लूडिंग अ प्रपोज्ड रेलवे लाइन फ्रॉम यूनान चाइना डायरेक्टली टू द पोर्ट बट द प्रोग्रेस देर हैज़ बीन स्टॉल्ड बाई अनरेस्ट इन म्यांमार. तो म्यांमार में काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है कि भाई चाइनीज इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं बढ़ना चाहिए, और उसकी वजह से वो प्रोजेक्ट अभी थोड़ा बहुत बैकफुट पे चला गया है. चाइना प्लान्स टू डेवलप दिस रीजन इन म्यांमार एज अ बॉर्डर इकोनॉमिक कोऑपरेशन जोन अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बिकम द लाइफ ब्लड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर चाइना वाइल प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर म्यांमार. अगेन दिस इज अ डेप्ट ट्रैप फॉर म्यांमार. ओके, एंड मल्टीपल कंट्रीज हैव कन्वेड दिस टू म्यांमार, और म्यांमार की जो लोकल कम्युनिटी है वो भी इसका अपोज कर रही है कि श्रीलंका की जैसी हालत हो रही है डेप्ट ट्रैप में फंस कर ड्यू टू हम्बनडोटा पोर्ट, वैसी हालत किसी और कंट्री की नहीं होनी चाहिए. एंड दैट्स वाई द ब्लू डॉट नेटवर्क वॉज एस्टैब्लिश्ड, और ब्लू डॉट नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए B3W बनाया गया है. वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द एंटायर चेन हियर. दिस ट्रेड कॉरिडोर इज अनदर डायरेक्ट चाइनीज आउटलेट टू द इंडियन ओशन, द फर्स्ट वन बीइंग एट द ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान. दिस ट्रेड रूट इज ऑल्सो चाइनाज ऑल्टरनेटिव टू द मलाक्का डिलेमा. मलाक्का डिलेमा इज अ वर्ड कॉइंड इन 2003 बाई देन चाइनीज प्रेसिडेंट हू जिनताओ. दिस रिफर्स टू चाइनाज फियर ऑफ अ मैरीटाइम ब्लॉकेड एट अ स्ट्रेट ऑफ मलाक्का. सिंस मोस्ट ऑफ चाइनाज ऑयल इम्पोर्ट पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, अ मैरीटाइम ब्लॉकेड हियर कुड पैरालाइज चाइनीज इकोनॉमी. तो चाइना ये नहीं चाहता कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को किसी भी तरह से और कोई देश कंट्रोल करे. ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का. एज यू कैन सी इट इज़ बिटवीन थाईलैंड, मलेशिया एंड इंडोनेशिया. तो यहाँ से ज़्यादा जो ऑयल है वो चाइना का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है. अबाउट ग्वादर पोर्ट, ग्वादर पोर्ट क्या है? सो ग्वादर इज बींग डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ CPEC टू द फार वेस्टर्न शिंजियान रीजियन. ग्वादर हैज़ लॉन्ग बीन टाउटेड एज साइट फॉर अ चाइनीज बेस सूटेबल फॉर पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑपरेशंस. चाइना परस्यूज अ स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग पॉइंट कॉन्सेप्ट वेयर बाई स्ट्रेटेजिकली साइटेड फॉरन पॉइंट कंटेनिंग टर्मिनल्स एंड कमर्शियल जोन्स ऑपरेटेड बाई चाइनीज फर्म्स कैन बी यूज बाई इट्स मिलिट्री. तो देखिए इंडिया को घेरने के लिए श्रीलंका में ऑलरेडी हम्बनडोटा पोर्ट पर चाइना ने कब्जा कर लिया है, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है, वेस्ट में अगर ये नया जो रेल और रोड लिंक ओपन हो रहा है अगर वहाँ पर चाइना अपना प्रेजेंस बढ़ाता है तो इंडिया के लिए चारों तरफ से चाइनीज इन्फ्लुएंस उसके लिए बहुत चिंता का विषय होगा. और जो डिफेंस का पैसा जो इंडिया अपने डेवलपमेंट में लगा सकता है वो पैसा इंडिया को कहाँ लगाना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी डिफेंस में डालना पड़ेगा.
ग्वादर इज एन इम्पॉर्टेंट टू चाइना फॉर थ्री रीजन्स. वन इज एस्टैब्लिशिंग डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट लिंक्स टू द इंडियन ओशन वाया सीपीईसी. सो दिस इज द अनदर पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. द सेकेंड फैक्टर इज दैट ग्वादर हेल्प्स एंकर और स्टेबिलाइज वेस्टर्न चाइना, अ रीजियन वेयर चाइना फील्स वल्नरेबल टू इस्लामिक एजिटेशन. फर्दर ग्वादर इज जस्ट 400 किलोमीटर फ्रॉम द इम्पोर्टेड हॉर्मुज स्ट्रेट लिंकिंग पर्शियन गल्फ विद द गल्फ ऑफ ओमान एंड द अरेबियन सी थ्रू विच 40% ऑफ चाइनीज इम्पोर्टेड ऑयल फ्लोस. ओके, सो दैट्स वाई द ग्वादर पोर्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर चाइना. इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया क्या होगा? सो चाइनाज इकोनॉमिक स्टेक्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड दिस न्यू ट्रेड कॉरिडोर सिग्निफाइज अ लार्जर मेरीटाइम प्रेजेंस एंड नेवल एंगेजमेंट इन द रीजियन विच इन टर्न रेनफोर्सेस द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी बाई चाइना. तो अगर अब तक क्या होता था, हमको एक बॉर्डर पे चाइना से लड़ना पड़ता था. इफ दिस बिकम्स द रियलिटी, ग्वादर पोर्ट, दिस न्यू सिंगापुर एंड म्यांमार रेलवे लिंक, तो ये सारी चीज़ें अगर आती है, श्रीलंका में ऑलरेडी चाइनीज प्रेजेंस बढ़ रहा है, तो इन चीज़ों की वजह से क्या होगा कि जो इंडियन मॉनिटरिंग है वो हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, विच इज़ अ थ्रेट टू इंडिया. अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेड कॉरिडोर इन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना इज ऑल्सो प्लानिंग द चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर विच विल लिंक तिबेट टू नेपाल. देखिए नेपाल तक इतना ईजिली चाइना आ जा सकेगा, विच विल अगेन थ्रेट टू इंडियन बॉर्डर्स. द एंड पॉइंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट विल टच द बाउंड्रीज ऑफ द गंगेटिक प्लेन. दस थ्री कॉरिडोर्स सिग्निफाई द इकोनॉमिक एज वेल एज स्ट्रेटेजिक राइज ऑफ चाइना इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विच इज़ अ बिग थ्रेट टू इंडिया. और इसी के लिए इंडिया को यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस जैसे कंट्री मदद कर रहे हैं ताकि इंडिया चाइनीज इन्फ्लुएंस को क्या कर सके, रोक पाए. काउंटर स्टेप्स ऑलरेडी टेकन बाय इंडिया क्या क्या है? सो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, चाबहार पोर्ट इन ईरान ईस्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मालाबार एक्सरसाइज, क्वाड इनिशिएटिव, डेवलपिंग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, ये सारे जो हमारे इनिशिएटिव हैं वो रैपिड पेस पे शुरू हो चुके हैं और चल रहे हैं. सो दिस वॉज योर टूडेज लेक्चर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर लेक्चर. प्लीज लेट अस नो इन केस ऑफ एनी डाउट एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट. टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. थैंक यू.